रामगढ़ कस्बे में बजट घोषणा में एडीजे कैंप कोर्ट की घोषणा से खफा बार एसोसिएशन संघ रामगढ़ की तरफ से लगभग एक माह से एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर तहसील रंगमंच पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 10 दिन बाद मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान ने तहसील रंगमंच पर धरने में उपस्थित होकर वकीलों को आश्वासन दिया था कि जल्दी ही एडीजे कोर्ट की मांग पूरी की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार शाम को की गई घोषणा में रामगढ़ को एडीजे कोर्ट परमानेंट की घोषणा दी थी। मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान के प्रयासों से आखिर रामगढ़ कस्बे को परमानेंट एडीजे कोर्ट की सौगात मिल ही गई। घोषणा के बाद रामगढ़ क्षेत्र के तमाम व्यापारी व कांग्रेसी में खुशी की लहर छा गई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बार एसोसिएशन संघ ने विधायक साफिया जुबेर व मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान को धन्यवाद दिया। शनिवार को रामगढ़ कस्बे के साहू मिष्ठान भंडार भुवनेश साहू के नेतृत्व में करीब 21 किलो लड्डू कार्यकर्ताओं में बांटे गए। इस मौके पर कांग्रेस व्यापार मंडल के अध्यक्ष भुवनेश साहू, संजय साहू, मनोज खंडेलवाल, निर्मल जैन, अशोक शर्मा, अमित भारद्वाज, दीपक कुमार, पप्पू सेन, सुरेश शर्मा, रामचंद्र वर्मा, मनोज सैनी, कमल सैनी, डॉक्टर शहाबुद्दीन खान, मुमताज खान, तमाम कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मेवात बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान व विधायक साफिया खान को तहदिल से धन्यवाद दिया। दूसरी ओर रामगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा के नेतृत्व में सभी वकीलों ने खुशी व्यक्त करते हुए तहसील परिसर के बाहर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई देते हुए रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान व मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस मौके पर दिनेश शर्मा, एडवोकेट राकेश यादव, मोहित जैन, कमल शर्मा, मुकेश चौधरी, मुजीब खान, धर्मपाल वर्मा, सुनील यादव, सियाराम गुर्जर, रोहितार सैनी, बलवीर सिंह, चरणजीत सिंह, दिलीप कुमार, कैलाश शर्मा, राजेश जैन, सनत जैन, फकरू खान सहित अनेक अधिवक्ता मौजूद थे। जो रिप्लाई बजट आया उसमें रामगढ़ अभिभाषक संघ की जो पिछले एक महीने से मांग थी कि रामगढ़ में स्थायी एडीजे कोर्ट की घोषणा हो, तो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने रामगढ़ के जो हमारे मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष है माननीय जुबेर खान जी और विधायक जी साफिया खान जी के नेतृत्व में रामगढ़ को स्थायी एडीजे कोर्ट जो पिछले दिनों से मांग थी वो मांग हमारी पूरी हुई। इसलिए अभिभाषक संघ रामगढ़ में आज खुशी है। हमने आज मिठाई बांटी है, हम फटाके चलाए हैं और हम धन्यवाद देते हैं माननीय विधायक जी को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पिछले दिनों से जो हमारी मांग थी कि रामगढ़ में स्थायी एडीजे कोर्ट आए, क्योंकि अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में 10 विधानसभाओं में एडीजे कोर्ट था। एक रामगढ़ की ऐसी विधानसभा थी जहां एडीजे कोर्ट नहीं था। यहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आती थी, अलवर जाना पड़ता था, छोटे छोटे मामलों के लिए अलवर में पैरवी करनी पड़ती थी, सुबह से शाम तक परेशान रहते थे। इसलिए रामगढ़ की इस मांग को सुना, हमारी बात को मानी, हम इसलिए धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपका जो धरना पिछले 30 दिनों से चल रहा था वो क्या अब भी लगातार चलेगा क्या? अब हमारा जो एडीजे कोर्ट की मांग को लेकर के जो धरना था वो समाप्त है और अब जो राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के जो धरना जारी है वो जारी रहेगा। रामगढ़ में जो एडीजे कोर्ट आया, रामगढ़ नगर पालिका के जो सारे जो लोग हैं उनको बड़ी खुशी और बड़ी उमंग है कि एडीजे कोर्ट आने से उनको परेशानियां, दूरियां अलवर जाने की बिल्कुल मिट गई। मंत्री जी ने जैसे कि उन्होंने धरना दे रखा था वकीलों ने, ऐसा कि मंत्री जी ने उनको आकर के आश्वासन दिया और आश्वासन देकर के मंत्री जी वहां पहुंचे उनके पास और मंत्री जी ने कहा कि मैं ये काम आपका जरूर कराऊंगा। मंत्री जी आए और उनको आश्वासन दिया और जैसी अब घोषणा हुई इस विधानसभा में तो विधानसभा में एडीजी कोर्ट ला करके उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और विकास उन्होंने इतना कर दिया रामगढ़ क्षेत्र में।